Thank you.
معزز مہمانان گرامی اور حاضرین، آپ سب کو اس خوبصورت تقریب میں خوش آمدید۔ میں سب سے پہلے آج کے مہمان خصوصی جناب جمیل احمد جمیل صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں، اور خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں دو وجوہات کی بنا پر۔ سالگرہ ساتھیہ پارک کے پہلے پروگرام میں جمیل احمد جمیل صاحب تشریف لائے تھے، اور اس روایت کو قائم کرنے میں ان کی کاوشیں اور سرپرستی ہمارے ہاتھ شامل ہے۔ میں آپ کا سر بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے مہمانوں نے گرامی تشریف لائے ہیں پرنس، وائس چانسلر صاحب، ڈین صاحب اور دیگر معزز مہمانوں نے گرامی، میں آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ میں شکر گزار ہوں عامر افتخار صاحب کا، ارشد بیگ صاحب کا، جنہوں نے یہ پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کرنے میں ہماری بہت مدد اور سرپرستی فرمائی ہے۔ جمیل احمد جمیل صاحب کا میں اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ سالگرہ ساتھیہ پارک کے پروگرام کو آپ ضلع کیلنڈر میں ڈالیں، جو انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے شامل کر دیا ہے۔ ہم ان کے لیے بے حد شکر گزار ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے بھائی جو اپنی مصروفیت کے تشریف کی ڈال سکے، چھوٹے سجاد احمد بڑائیت صاحب کا، ساتھیہ پارک کے نوجوان اور توانا رہنما جنہوں نے ساتھیہ پارک کی سیاست کے ٹیبوز کو توڑا ہے، ملک صابر صاحب میرے دوست ہیں، ہمیشہ ہماری دوستی اسکول سے قائم ہے، میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہتا ہوں۔ ملک صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ملک صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں پہ تقریر کرنا ایک فن ہے، وہاں پہ تقریر سننا بھی فن ہے۔ میں ہریانہ ساتھیہ پارک کے حوالے سے ملک صاحب کو گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے فن، حوصلے اور ہمت کی داد دیں کہ ہم ہر دوسرے تیسرے بار کسی نہ کسی فنکشن میں گھنٹوں ان کو سنتے ہیں۔ سالگرہ ساتھیہ پارک کا پروگرام اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ساتھیہ پارک کے رہنے والے تمام لوگ اپنے شہر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ساتھیہ پارک ایک شہر ہے، ہم جتنی محبت ساتھیہ پارک سے کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح سے سلامت، قائم، خوشحال اور بہتری کی طرف گامزن رکھے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔
Oh,
अब मैं जिस अजीम शख्सियत को माइक पे आने की दावत दे रहा हूँ उनका नाम है मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। बहुत अजीम शख्सियत आपके सामने मौजूद है और अपने ख्याल का इजहार इस प्रोग्राम के हवाले से और पूरे पाकिस्तान के हवाले से मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for inviting me here. ये फंक्शन देख के लग रहा है कि सादाबाद के लोग अपने बच्चों की सालगिरह कितनी अच्छी मनाते होंगे। मुझे जब इन्होंने इनवाइट किया तो मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने कभी इस तरह किसी दूसरे तहसील में या शहर में इस तरह के फंक्शन जो सालगिरह शहरों के होते हैं। मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस फंक्शन को बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया और ये अच्छी रवायात में शामिल है कि हम लोगों को अपने शहर का जो ओपनिंग डे है जो 18 नवंबर 1935 से आज तक ये कह रहे हैं कि उसकी सालगिरह को याद रखा। दूसरा, ये मीडिया ग्रुप और बाकी जो शहर के जितने लोग हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस दिन को सालगिरह के तौर पर मनाते हैं और इकट्ठे होके अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, सोसाइटी के साथ जो अपने डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में नई यूनिवर्सिटी है लेकिन हम इंशाल्लाह ताला उसका स्टैंडर्ड और मियार ऐसा ही होगा जो आपके बच्चों के लिए और इसमें आने वाली नस्ल के लिए वो समझे लाहौर से कम नहीं होगा, इस्लामाबाद से कम नहीं होगा बल्कि उनसे बेहतर होगा। यकीनन तालीम के बगैर, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के बगैर कभी कोई भी नेशन तरक्की नहीं करता और हमें ये रियलाइज करना है कि आज हमारे बच्चे और बच्चियां दोनों ही जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे डेफिनेटली हम सब लोग तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश होगी कि अपने बच्चे और बच्चियों पे ऐसे ही इन्वेस्ट करें कि जैसे आने वाली नस्ल या जैसे आप अपने बिजनेस में करते हैं और वो लोग जो अपने बच्चों पे तवज्जो देते हैं उनका आने वाला कल बहुत अच्छा होता है। तो सो मैं इस बात के साथ आपसे इजाजत दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि वो पहले भी काफी देर से आप लोग बैठे हैं और मेरा ख्याल आपके डिनर का टाइम होगा, बच्चे भी तंग कर रहे हैं। इस अज़म के साथ हम अपने बच्चों का और इस इलाके में तालीम के साथ ग्रो करेंगे। शहर छोटा हो या बड़ा, मुल्क छोटा हो या बड़ा, अगर वहां पे टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, वहां पे तालीम याफ्ता लोग होंगे, वहां इंडस्ट्री भी आएगी, इंडस्ट्री भी वहां जाती है, यहाँ एक माहौल या एनवायरनमेंट होता है। तो सो मैं आपसे इसी बात के साथ इंशाल्लाह ताला सादाबाद रहीम यार का इस इलाके में ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। इस एरिया में अगर आप थोड़ी सी लोग बहुत अच्छे हैं तो सो मैं इस बात का अजम के साथ हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये साउथ पंजाब पूरे पाकिस्तान को एग्रीकल्चर में भी फीड कर रहे हैं और आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी में भी ये लोग मेहनती लोग हैं, बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान का फ्यूचर साउथ पंजाब के साथ जोड़ के हम फिर इस इलाके को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत पैगाम खास तौर पर स्टूडेंट्स को दे रहे थे कि उस देश को डसते हैं जहालत के अंधेरे
तालीम का सूरज जहाँ आकाश नहीं है और जिस मुल्क में तालीम का सिक्का हो मरवज उस मुल्क की किस्मत में अफलास नहीं है, उस मुल्क की किस्मत में अफलास नहीं है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और सामीन कर बगैर किसी ताखीर के अब मैं जिस शख्सियत को माइक पे आने की दावत दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि उनके बुजुर्गों का इस खास तौर पर डिवीजन बहावर पर बड़ा एहसान है और पाकिस्तान पर भी बड़ा एहसान है। जब पाकिस्तान बना था बहुत सी मुश्किल थी, खासतौर पर माशी मुश्किल, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत हौसला दिया, बड़ा साथ दिया उनका और उनकी ये मेहरबानी है कि वो यहाँ तशरीफ लाते हैं हमारे पास हर प्रोग्राम में। वक्त उनके बहुत कम है इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ चंद मिनट में अपने जज्बात का इजहार आपकी भरपूर तालियाँ मोहतरम जनाब प्रिंस कमरुज़्ज़मान अब्बासी साहब जो डेरा नवाब से तशरीफ लाए हैं, जरा तालियाँ भरपूर बजाया करेंगे रहमान का इस्तकबाल करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम आज इस प्रोग्राम को दिया, ये प्रोग्राम आपका ही था और आपका रहेगा। तो नवाब कमरुज़्ज़मान अब्बासी जो नवाब आप बहावलपुर के नवासी तशरीफ लाए और अपने जज्बात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बहुत ही मशहूर हूँ सादाबाद के अवाम का, मोहतरम मुफ्ती साहब का, जितने अमला यहाँ मौजूद हैं तमाम का मशहूर हूँ। खूबसूरत बुला लेते हैं मुझे फंक्शन पर, यह दिल चाहता है कि ये साल छोटा हो जाए और था नमाथा रोज जाता रहे। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मैं यहाँ किसी बार सालगिरह में शामिल होने आया हूँ। आपकी शक्ल और मोहब्बत मुझे बार बार याद आती है। मुझे इससे ज़्यादा खुशी ये है इस बात कि माह मुबारक में हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सालगिरह भी मना रहे हैं। नवाब साहब सालेम अल्लाह जी जो 1935 में हज के मौके पर तशरीफ गए थे तो फरमा रवाए हाकिम ने 1935 से लेकर 1948 तक जुम्मा तो मुबारक को खुतबे में नवाब साहब का नाम शामिल कर लिया था। एहाना हूँ नवाब साहब सादिक मोहम्मद अब्बासी इब्ने बहावल खान अब्बासी आज हज़रत रज़ियल्लाह ताला अन्हु ये अल्फाज़ दुआया आप में शामिल। नवाब साहब ने मदीना मुनव्वरा में बैठ कर एक मुख्तसर किताब लिखी थी ससुर सादिक और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी थी। इसका तर्जमा है जो खाक वतन से उठकर सादिक अमीन बनकर उठा था और इस मुकद्दस सरजमीन में अपने उल्लास और अकीदत के फूल निछावर करने लगा हूँ। इस मुकद्दस गुमद फिजरा में किस माहौल से आ रहा हूँ कि बहुत अजीब और सलादवादियों से गुजरा हूँ, सराह से गुजरा हूँ। यह याद में मेरे लिए शमाई याद हो गया दे। इस दुनिया फानी में नवाब साहब सादिक मोहम्मद अब्बासी जैसे अजीम फरमानरबा पैदा हुए और इस्लाम दोस्ती की बेलौस खिदमात पेश की, कुदरत के अहकाम में खुशी दोस्त करते हुए फरमानबरदारी करते हुए और मुसलमानों को बड़े अदब और एहतराम से दफन तो कराते हैं, एक उनकी वाबस्ता यादें और कारनामे हम साथ दफन कराते हैं। हम दूर दे फैगामों से लोग हैं, अपने मुसलमानों को बुला देना हमारी रिवायत बनती जा रही है। उजड़े हुए हालात से बुरे तो न लाकर तरीफ लान है तो तरीफ के कुछ भी पढ़ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के गोबर आबदार कहीं मिले हुए हैं, अक्सर कूड़े कूटे में हरसत हो चुके हैं। जिंदा कौमें अब तरीक के साथ न रहती हैं, तरीक मिट जाए तो नजरिया मिट जाए तो जोग्राफी बदल जाता है, नजरिया मिट जाए तो जोग्राफी बदल जाता है। बहावलपुर पाकिस्तान में एक ऐसी रियासत है जो आबासियों की अहद रफ्तार की अमानत है। हमारे शहर सादाबाद का इब्तदाई मोहब्बत में हमारे बानी कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शामिल रहा है। जब नवाब साहब सादिक मोहम्मद अब्बासी ने रियासत बहावलपुर की मुकम्मल नहरी और हेड
मुकम्मल नहर निज़ाम को हेड रहमान की हेड इस्लाम और हेड फला के तमीर करने के लिए गवर्नमेंट बरतानिया से 12 करोड़ रुपया बतौर कर्ज लिया था। जब पाकिस्तान बनने के वजूद में आने से आसार मकूल हुए तो रियासत बहावलपुर के वज़ीर आज़म ने हुकूमत बरतानिया से सूरखोरी की और कहा कि अब पाकिस्तान वजूद में आने वाला है कि रियासत के नवाब से कहा जाए कि कर्जा वापस कर दें, अगर नहीं कर सकते तो हमें साकाबाद का इलाका और मलिका इलाके तमाम हमारे हुकूमत बरतानिया के हवाले कर दें। यह खत नवाब साहब साद महमूद अब्बास के मसरूफ होने के बाद मशवरा के लिए नवाज साहब को अपने एल पी नवाज साहब ने अपने एक्टी को कैद रहने के बाद भिजवाया क्योंकि वो उनके ज़ाते वकील भी थे। मशवरे में मशवरा किया कैद रहम ने जवाब में लिखा कि सबसे पहले रियासत बहावलपुर के वज़ीर आज़म को रियासत बदर कर दिया जाए और फिर हुकूमत बरतानिया को ये नोट दिया जाए कि मैंने रियासत बहावलपुर के गुजरने वाली रेलवे लाइन का आज तक कोई मुआवजा हासिल नहीं किया, तमाम रियासतों के नवाबी रियासत रेलवे गुजरने के मुआवजा को खत्म करके आ रहे हैं। मैं इस वक्त तक आपके पास मेरे इस वक्त आपके पास 72 करोड़ रुपए वाजिब अदा हैं जो मैं किराने की अदा करने की रकम मुझे 12 करोड़ वापस कर दी जाए और 60 करोड़ रुपया वापस घर के 12 रुपये कटौती कर दिया है। यह नोटिस वसूल होने के बाद उन्हें खामोशी अख्तियार कर ली कि हमें पाकिस्तान के बाद बहावलपुर अला बहुत खुशी थी एक मुसलमान और जहाँ दीदा पर मारवास साधन अब्बास से तमाम मुश्किलात को समझते थे, उनकी एक जहन शीशे की तरह साफ था, वो बड़े सगीर के मुसलमानों को आखिरी बरकत है, उन्होंने मामले में बिल्कुल परवाह न की कि देखा कि भारत के भारत के नवाब साहब को क्या सब दिखा रहा है, सब बाग दिखा रहे हैं। रियासत के हुक्मरान आज़ाद थे, पाकिस्तान के साथ शामिल होने में बहावलपुर के साथ या बहावलपुर के साथ शामिल हों पूरे शामिल जज्बा से काम लेते हुए सोचा कि बहावलपुर पाकिस्तान का दिल है। नवाब साहब कैद आज़म के ज़ाती करीबी दोस्त थे और जहनी कराची मलिक अक्सम में नवाब साहब ने उनको अपने पास 24 साल तक क्याम फरमाया। कुछ अर्सा यह महल क्याम पाकिस्तान की जदोजहद मरकज पाकिस्तान के नवाजा बाकी नवाब साहब ने किसी की तरह कुर्बानी से गरीब नहीं किया और 1948 में कैद आज़म को पहले गोलजादार फोन इब्तदाई रकम उस वक्त दी जब पाकिस्तान के पास 12 करोड़ का रकम दी रियासत के बाद मुलाजमीन के लिए 3 साल तक फैन है। अलामा इकबाल ने बहावलपुर के नौन से 6 सफात पर कसीदा लिखा है जिसमें चांद शायरी हैं जीनत मुसनत आफ्ता हो गई एहसान शेख खावर जमीन सामने फिर जाया गया समा बदाद का हेन में पैदा हो फिर बादशाह की सा जमीन माया नाजिश है तुम इस खानदान के वास्ते अब तरक रखती है जिसकी दास्तां आज भर जमीन खानदान तेरा रहे जबिंदा है तहरीर और सर जब तक मिसर खाती है कमर जमीन मैं बटन पे हाथ रखा लगा ला मकान तक तुम न जाए दुआ अलामा इकबाल की आज तक पहुंची है जिसकी शोहरत को कर रही है। 3 दिसंबर लाहौर में जमन शाह इस्लाम का जलसा आम में अलामा इकबाल ने सिफात नाम पढ़ते हुए फरमाया इल्मी इकबाल से अब्बास फरमाओ का फैज हमेशा जारी रहा है। आल हजरत नवाब बहुत के अबाउजदाद के साना का तस्करा इस मौके से सिफात नामे में नीम का कर सकता अदूर नवाब बहुत बुरत से लोग से करम शुरू ही शान जमन की खेती के लिए शराबी का चश्म रहा है। 1908 में दौलत वासिया बहावलपुर ने 75,000 रुपये की खतीर रकम फरमाई है। आज कॉलेज की शानदार इमारत और बाथरूम विंग कॉलेज के लिए दरकिनार वासी ने एहसानात हैं क्योंकि लिखना दरकिनार उनको शुमार करना मेरे लिए मुश्किल है। वक्त की कमी की वजह से मैं अल्फाजों को पेश करने से मदद चाहता हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हा में 77,270,280 घंटे 574,288 घंटे 22,137 दिन और 60,60 साल 7 माह 27 दिन गुजार कर
24 मई 1966 को हुए फरमा गए कद रहत याद जहां सुए भय हुक्मरान नेक शोक खुशहदी रेलत खत जस्त कमर गोश्त खातिर सादिक कामे शबीर मैं मुख्तसर सा आपको आप मोहम्मद प्यार से उनसे कहते खिलाफ ने मोहब्बत की प्यार के नाम सब को याद रखा है और याद रखेंगे ये आप बहुत ही अजीम इंसान हैं सादाबाद वाले भी जिन्होंने काम कराया जिन्होंने ये सारा काम किया मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ कि अल्लाह करे साल जो है वो छोटा हो जाए और 18 नवंबर जल्दी जल्दी आ जाया करें और फिर मैं हाजिर होता रहा बहुत साहब आप कह लें कि एक ज्यादती ये होती है कि हम आखिर में आते हैं और दूसरी ज्यादती ये होती है कि हमें सबको सुनना पड़ता है मोहतरम हजरात आज मैं आप लोगों की खुशियों में शरीक होने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि इस खूबसूरत शहर के जिंदा दिलान वासियों के दरमियान हम सब मौजूद हैं और जिस खूबसूरत तरीके से हरियाणा सादिकाबाद में इस सालगिरह को मनाया है इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और स्टॉल्स पे गए और जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजर ने ख़ास तौर पर उसकी पूरी टीम ने जिस अंदाज से मेहनत की है मैं उसका तस्लीम पेश करता हूँ और पूरे हरियाणा सादिकाबाद को मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी सालगिरह की और साथ साथ में जो उन्होंने इस दफ़ा का स्लोगन दिया है उस पर भी उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने एक दफ़ा पहले में मुझे हाजिर होने का मौका मिला था 2016 में ग्रीन एंड ग्रीन सादिकाबाद का जो स्लोगन था वो पूरे पाकिस्तान का बना और फाज पाकिस्तान मैं हूँ फाज पाकिस्तान ये भी पूरे पाकिस्तान का स्लोगन बनेगा और फाज पाकिस्तान जो है वो सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं होती कुछ अफवाज जो है वो कुछ हिस्सा यूनिफॉर्म में होता है कुछ हिस्सा बगैर यूनिफॉर्म में होता है और आप तमाम हजरात खवीन हजरात वो अफवाज पाकिस्तान हैं जो बगैर यूनिफॉर्म के अपनी मेहनत के साथ जहनत के साथ नज़म ज़ब के साथ अपने अपने दायराकार के अंदर रहते हुए इस मुल्क को और बेहतर बना सकते हैं मेरी तरफ से एक बार फिर रहनिया में सादिकाबाद को इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर को तमाम मेहमान गिरामी को मुबारकबाद और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ये शहर सदा सलामत रहे और इसको आबाद करने वाले और इसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालने वाले सदा सलामत रहेंगे थैंक यू वेरी मच और अपनी पूरी तवानाइयां जो है वो सर्व करेंगे अब इनके बाद जिस शख्सियत को मैं माइक पे आने की स्टेज असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सादिकाबाद मोहतरम जनाब आमिर इफ्तखार साहब के हैं ये नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर साहब सादिकाबाद के लोगों ने अपनी मोहब्बत इनको निछावर की इस दुआ के साथ भी ये प्रोग्राम ऐसे ही सीखते रहें जो खूबसूरत तकारीफ चलती रहें और इसी जज्बे के साथ जो है वो सादिकाबाद की सालगिरह जो है वो मनाई जाती है एक बार फिर जो है जी तमाम हजरात का शुक्रिया खास तौर पर मीडिया का और प्रेस क्लब सादिकाबाद का और औसाफ रोजनामा औसाफ का खास तौर पर शुक्रिया कि आज बहुत खूबसूरत उन्होंने ये एक एडिशन शायद किया है और पूरी खबरें भी लगाते रहे हैं और वेडिंग स्टाइल वाले जो है स्टेज पे मौजूद है वो भी बहुत मेहनत करते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं राजेश लियाकतपुरी साहब का स्पेशल थैंक बोलता हूँ जिन्होंने आज स्पेशल एडिशन को साथ में फुल पेज निकाला हमारी सालगिरह सादिकाबाद की खुशियों में शरीक हुए सादिकाबाद का तमाम मीडिया उन्होंने पूरी की पूरी हमारी कंपेन में हमारा साथ दिया सादिकाबाद के आवाम सादिकाबाद प्रेस क्लब सादिकाबाद की सपोर्ट भी मैं आखिर में भी ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी यहाँ पे बच्चों ने जिनने तलावत की जिन बच्चों ने नात पेश की वो सादिकाबाद के सबसे यानी सीनियर कॉम्पिटिश के मुकाबले हुए हैं उन्होंने विन किया है इसी तरह यहाँ के जिस मुकाबलों के बच्चे थे उन्होंने विन किया था उनके प्राइजेज हैं इसी तरह हॉकी में हमारे यहाँ के अजीबाद स्कूल ने रीजन भर में विन किया है उनके यहाँ पे प्राइजेज हमारे पास मौजूद हैं अफजाल अशद और दीना साहब मुल्तान में स्पेशल उनके लिए प्राइज लेके आए हुए हैं तो
इंशाल्लाह हम इसको जनाब बहुत जल्द इसी वीक में एक प्रोग्राम करने जाएंगे जिसमें असिस्टेंट प्रिंसिपल साहब की सदारत है और सारे प्राइजों को डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। एक नारा साहब ने मेरे साथ मिलकर गाना है पाकिस्तान के लिए, एक नारा पहले नारा तकबीर होगा फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। नारा तकबीर।